हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरा हरतालिका तीज का व्रत, जो मैंने माता रानी और गौरी मैया और शंकर भगवान और गणेश जी के लिए भोग बना रही हूँ घर पे। एक किलो दूध है, उसमें आधा किलो से कम थोड़ा सा चीनी होगी, उसी से प्रसाद बना रही हूँ। देखिए, ये मैं दूध जला रही हूँ। अब ये आधा दूध जल जाएगा, फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। ये देखिए जल गया, अब इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी डालने के बाद अब इसको मैं चलाते रहेंगे, जब तक चलाएंगे तब तक ये पूरा पिघल ना जाए चीनी इसमें। और इसमें कुछ मैंने डाल दिए हैं इलायची के दाने, पाउडर ख़त्म हो गया था इलायची वाला, तो थोड़े से दाने रखे हुए थे इलायची के, इलायची छील के मैंने इसी में पीस के डाला, लेकिन पूरी तरह से पीसा नहीं, क्योंकि मैंने उस पर चकले पे पीसा है और उस पर सही से पीसा नहीं है, सिलवट पे नहीं पीसा है। ये देखिए बन गया है। अभी इसको हम बहुत देर तक चलाते जाएंगे। चलाते जाएंगे जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा, उसके बाद फिर इसको हम उतार के रख लेंगे नीचे कढ़ाई, फिर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको फिर हाथ से पेड़ा बनाएंगे। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई। सब लोग, बहुत मेहनत लगती है, अकेले वीडियो बनाओ, अकेले ही एडिट करो, मतलब कोई पकड़ने वाला भी नहीं मोबाइल होता है। जैसे को तैसे एक हाथ से इसको बना रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं, पकड़े हुए हैं। ये देखिए पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, थोड़ा चिकना हो जाए। घी डालने से थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो और अच्छा होता है, फिर पेड़ एकदम चिकने चिकने आते हैं। तो चला देंगे, फिर इसको एक हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा होने के लिए गरम बहुत था इसलिए, फिर निकालने के बाद फिर हमने बनाया। बनाने पे ऐसे आया, ये देखिए। बनाते बनाते हम वीडियो नहीं बना पाए इसलिए मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग बताना ज़रूर कैसे बने हैं मेरे प्रसाद के पेड़े। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।